असलकम स्टूडेंट्स पिछले सेशन में हमने जनरली ब्रॉडली बात की कि हु इज़ द सोशल एंटरप्रेन्योर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का लिटरेचर इतना एडवांस हो चुका है कि अब सोशल एंटरप्रेन्योर्स की भी टाइपोलॉजीज़ जो हैं वो बना दी गई हैं कि किस किस किस्म के सोशल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इस सेशन में हम पहली टाइपोलॉजी जो है पहली किस्म के सोशल एंटरप्रेन्योर्स का जिक्र करेंगे हीरो एंटरप्रेन्योर एज एस हीरो का रेफरेंस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिटरेचर में अक्सर मिलता है बल्कि अगर आप वेब पर सोशल एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरीज देखें तो अमूमन उनको हीरो के तौर पर ही पेश किया जाता है क्रिज्मा ब्रॉडली स्पीकिंग एक टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को फोर करने का और एबिलिटी है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं उनमें यूसियत होती है कि दूसरे लोगों को मोटिवेट करके अपने साथ अपने मिशन में शामिल कर सकें क्रिस्मैटिक पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछले किसी सेशन में एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट मैक्स वेबर का जिक्र किया था उनसे हमें मिलता है उन्होंने क्रिसमेटिक लीडरशिप के हवाले से काफ़ी लिखा और ये कॉन्सेप्ट जो है हमने मैक्स वेबर से ही वो किया है क्रिसमेटिक लीडर्स वो लोग होते हैं जिनका एक विजन होता है एक कन्विक्शन होती है वो किसी कॉज के साथ कमिटेड होते हैं और उनकी पर्सनालिटी में ऐसी खसूसियात होती हैं कि लोग उनको फॉलो करते हैं इनफैक्ट ब्लाइंडली फॉलो करते हैं जो वो कहते हैं वो वो करते हैं उनके पीछे चलते हैं वो उनको जिस मिशन को अचीव करने के लिए कहते हैं लोग उनके साथ होते हैं अगर हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से देखें तो क्रिसमेटिक हीरोज़ जो हैं वो एक लोन एडवेंचरर के तौर पे प्रेजेंट किए जाते हैं कि कोई शख्स जिसने किसी कॉज को किसी मिशन को समझा उसको अडॉप्ट किया उसको ले कर चला उसके लिए लड़ाइयाँ की हत्या के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट सेक्टर को चैलेंज किया लेकिन जैसे मूवीज़ में होता है एक रोमांटिक हीरो जो आखिर में सक्सेसफुल होता है उसने एक वेंचर क्रिएट किया जिससे माशरे का वो मसला हल हो गया एक एग्ज़ाम्पल जो मैं आपको दूंगी, वो बिल गेट्स ऑफ कोर्स अगरचे बिल गेट्स ने स्टार्ट जो है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे लिया लेकिन अगर आप उसकी पर्सनालिटी को देखें तो उसमें एक क्रिजमा है बिल गेट्स तेरह साल की उम्र में पहला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख चुका था लेकिन दूसरी तरफ बिल गेट्स जो है वो हार्वर्ड का ड्रॉप आउट है बिल गेट्स ने ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजीज इंट्रोड्यूस करवाई कि जो उसका एक एज बन गया अपने कंपेटिटिव के मुकाबले में उसने नए टैलेंट को हायर करने की जो स्ट्रेटजी अपनाई उसकी रूप से वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था लेदर बैग उठाए हुए सूटेड बूटेड एक अधेड़ उम्र या बूढ़ा बिजनेस मैनेजर वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया आज का जो एंटरप्रेन्योर है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो एक यंग यंगी पर्सन हो सकता है सो सोशल एंट्रप्रनीरशिप के हवाले से बिल गेट्स को हम उस वक्त जानते हैं जब वो फिल्म एक्टिविटीज़ शुरू करता है बिल गेट्स ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सोशल कॉजेज़ के लिए वक्फ कर दिया उसने क्लाइमेट चेंज हेल्थ एजुकेशन उन सेक्टर्स में काम किया जिसमें गवर्नमेंट्स भी बाजुकात फ़ेल हो गई थी और उसने बहुत कामयाब मिसालें जो हैं वो छोड़ी हैं बिल गेट्स ने दरअसल बाज़ लोग कहते हैं कि जो अपनी बिजनेस में कामयाबी थी उसको एक तरह से अपनी फिल्म या सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कामयाबियों से शर्मिंदा कर दिया या गहना दिया वो इतना कामयाब बिल गेट्स फाउंडेशन के हवाले से हुआ कि आज गवर्नमेंट्स उसकी तरफ देखती हैं हेल्प के लिए मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पोलियो रेडिकेशन की जो मुहिम चल रही है उसमें बिल गेट्स का एक नुमाया रोल है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एजाज से बाकायदा एक हकूमती तमगे से नवाजा है इन शॉर्ट बिल गेट्स की बिजनेस स्ट्रेटजीज एज एंटरप्रेन और फिर फिल्म में एज सोशल एंटरप्रोर स्ट्रेटीज़ को अगर आप समझ सकें उसका मुताल करें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाती है कि कैसे एक क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी जो है वो दुनिया के मसाइल को चेंज कर सकती है दुनिया की लाखों जिंदगियों को बदल सकती है एक तब्दीली ला सकती है शुक्रिया